और जैसा कि लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तिनसुकिया रंगपुरिया पंचायत के अधीन जो दया शंकर का जो अंचल है, जो सभापति है दया शंकर के कारनामे में लगातार दिखाते आया हूँ। पहले भी आप देख चुके हैं कि किस तरह का नाम जरूर दया शंकर है, लेकिन जो अपने अंचल के जो लोग हैं उन पर उनकी दया नहीं बनती। तिनसुकिया समस्ती के अधीन जो यह रंगपुरिया पंचायत है उसी का एक अंचल है यह, और यहाँ जो लोग हैं मैं उनसे जान लेना चाहूँगा किस तरह का समस्या होता है और ये जो है जगह को क्या बोलते हैं। ये लोहारी का चरी मिली जुली पथ है सर, और हम लोग का बच्चा लोग स्कूल रेडी होके जाता है तो फिर ड्रेस गंदा हो जाता है, गिर जाता है, हम लोग चल नहीं पाता है, पैर खाली पैर से चलना पड़ता है जी। और पानी उली जमा हो जाता है जी जी। आप लोगों के पास चल नहीं सकते, मतलब ये पूरा काला हो जाता है, आदमी गिर भी जाता है, बच्चा भी गिर जाता है, और बड़ा भी गिर जाता है, गाड़ी नहीं होता है। जो प्रेसिडेंट है दया शंकर, आपने उनका चेहरा देखा है कि नहीं? नहीं, हम नहीं देखा आज तक, नहीं देखा। क्या कहेंगे, जो समस्या है किस तरह का समस्या है? हम लोग का जो मिली जुली जो पथ है, ये पथ में मतलब जब बारिश का मौसम आता है तो ये पथ मतलब पूरा पानी से भर जाता है। पानी का वजह से हम लोग का बच्चा लोग स्कूल जाता है, स्कूल जाने में वो लोग का बहुत परेशानी होता है, यानी कि जो मजदूर जो काम करने वाला जो है उन लोग को भी जाने में हम लोग का ये रास्ता में बहुत दिक्कत होता है, और जिसका वजह से हम लोग का पैर में या हम लोग का जो है चलने में बहुत दिक्कत होता है, पैर में हम लोग का घाव फुंसी ये सब हो जाता है। इसका वजह से हम लोग का क्या होता है कि जहाँ तहाँ का जो पानी है वो हम लोग का रास्ता में जमा हो जाता है, जमा हो जाने के कारण से हम लोग का आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग का रास्ता मतलब आप लोग दया करके हम लोग का रास्ता जैसे भी हो बना दें, क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग को बहुत तकलीफ होता है और साथ में हम लोग का भी तकलीफ होता है। क्या कहेंगे, दया शंकर की दया आप लोगों पर बनती नहीं? क्या नहीं कहेंगे? बन रहा है सर, नाम दया शंकर जरूर है, सुने हैं, सुने नाम तो सुने हैं, लेकिन एक बार वो आए भी है वोट मांगने के लिए जी। आए हैं, क्या बोले वोट मांगने के समय? उनको सड़क का जो मुद्दा था सब दिखाए, उनको सब दिखाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस समय तो समाधान बोले कि हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग के बच्चा को जाने के लिए कितना खर्च होता है, हम लोग मिठाइया में लेकर बच्चा को पार करते हैं, पति भी आते हैं रात के 10 बजे ड्यूटी से, वो भी गिर जाते हैं, उनका भी कपड़ा सब गंदा हो जाता है, बहुत कष्ट है हम लोग को। हमारा भी हाथ पैर में देखिए इतना दर्द है, फिर भी हम लोग इसे जाना पड़ता है। कोई अगर एम्बुलेंस अगर आना हो या कोई इमरजेंसी सर्विस हो, कोई गाड़ी आ पाएगी? नहीं नहीं आ पाएगी, गाड़ी इसमें ही रह जाएगा, निकलेगा ही नहीं है सर। यही यही पाल में आग लग गया था, एम्बुलेंस आने में कितना दिक्कत हो गया है, फायर ब्रिगेड भी नहीं है, फायर ब्रिगेड आया है वही उधर ही रुक गया, कितना दिक्कत है यहाँ में, इसको मुझे देखिए ना, पूरा जल्दी हो जाने से बीमारी बहुत दिक्कत है, आधा घंटा एक घंटा लगे, हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग का रास्ता के प्रॉब्लम बहुत है, लड़का बच्चा हम लोग का जो मजदूर वाला आदमी है वो लोग को भी दिक्कत है, यहाँ में कोई डेली बारी होगा, कोई बीमारी होगा, कोई हाथ पांव टूट जाएगा, यहाँ में आग लग जाए, कोई चीज़ का सुविधा हम लोग को नहीं है, रास्ता के वजह से। ये रास्ता के वजह से हम लोग को सुविधा नहीं है, बाकी एक मुठा का शंकर का चेहरा देखा है कि नहीं? देखा है, आ एक बार देखा भी है या नहीं है उतना हम लोग भूल जाता है, उतना हम लोग नहीं मालूम है, आया होगा अगला बोला होगा, जो चुनाव के टाइम में आता है लोग बोलता है हम लोग रास्ता बना देगा, हम लोग को हेल्प करो, हम लोग क्या गरीब आदमी, हम लोग कुछ उल्ला मुला भाई नहीं जानता है, हम लोग बस वोट देने जानता है, रास्ते में बारिश गिरने से वोट कीचड़ हो जाता है, चलने में बहुत तकलीफ होता है, अगर कोई बीमारी होता है तो यहाँ में कोई एक एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता है, कीचड़ के चलते पानी के चलते, तो हम लोग चाहता है जो ये रास्ता मेहरबानी करके हम लोग को बना दे सरकार। यहाँ का जो सभापति है दया शंकर यादव जी आए नहीं है, दिया 5 साल लगभग होने का है, एक बार मीटिंग बैठाए थे शाम का टाइम में आके कि रास्ता आप लोग का पास हो गया है, रास्ता हम लोग बना देंगे, तो हाथ लगाए 100 फुट का बनाए, उसके बाद में इधर हम लोग का तो पता नहीं, हम लोग का पार हो ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकते, क्या बोले अब। इलेक्शन का टाइम में देखा था, वोट मांगने आए थे कि नहीं? नहीं वोट मांगने हम देखे नहीं, आते हैं इधर ही आते हैं, इधर से चले जाते हैं, हम लोग का उधर नहीं गए हैं, हम लोग थोड़ा इस लाइन में इधर में है तो हम लोग का घर, तो रास्ता का हम लोग यही अपील कर सकते हैं कि रास्ता थोड़ा हम लोग का देख दीजिए, बाल बच्चा के लिए दिकदारी होता है, बीमार असर होने से हम लोग निकल नहीं पाते हैं, बहुत दिकदारी होते हैं, और सारा एकदम ये पानी जमा होके कैसा हो जाता है आप लोग देखेंगे। ललन जी समस्या तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं मोदी जी के सरकार में सबसे पहला योगदान हमारे रास्ते के ऊपर दिया जा रहा है, हमारे सड़क के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक विकास का मेन जरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अभी तक हमारा सड़क ये ऐसे हालात में है, यहाँ लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके 4 कंधों में उनको ले जाने के लिए लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ललन जी यहाँ एक एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, यहाँ अगर घर में किसी का आग लग जाए तो आप
फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आ पाएगी। यहाँ लोगों को इतना ही मतलब समस्या है कि आपको क्या बताऊँ मैं। ललन जी, अभी कुछ दिनों का बात है, ये इधर ही आपका आग जो लगा हुआ था, एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी इधर नहीं आ पाया। इस तरह से अगर दयाशंकर जी आते हैं, वादा करते हैं कि बनेगा 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 बनेगा, आज 3-4 साल से वादा ही उनका है, थोड़ा काम होता है रुक जाता है, फिर वो काम कब पूरा होगा इसका मतलब कोई पता ही नहीं चलता। जब चुनाव होता है तो संजय किसान जी भी आते हैं वोट के लिए, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो सर हम गरीबों को कोई ध्यान में नहीं रखता सर। दयाशंकर की जो भूमिका है उस पर क्या है? दयाशंकर की तो कृपा हम पे सर बिल्कुल नहीं है सर। आप देख ही रहे हैं कि कैसा हालत है हम लोगों को घरों में, अपना घरों से बाहर जाने के लिए भी सर सोचना पड़ता है। बारिश के दिनों में पूरा कीचड़ जमा हो जाता है, गंदी गंदी बीमारियां सर फैलेगी यहाँ पे। ललन जी, ब्रेकिंग फास्ट समाचार के जरिए तो आपने बहुत ही कुछ किया है, जब से आप आए हैं यहाँ पे, आपका न्यूज़ चैनल खुला तब से बहुत ही समस्या समाधान हुआ है, और आप ऐसे मतलब हम मतलब गरीब लोगों का बात आप सरकार तक लेके जाते हैं, आपको हमारे तरफ से सादर अभिनंदन है। इस तरह की जो परिस्थिति है और जो निर्वाचन के बस कुछ ही दिन बाकी है, और निर्वाचन में फिर मुद्दे बनाए जाएंगे, नए नए मुद्दे जरूर दिखाए जाएंगे, और लोगों को सपना दिखाया जाएगा कि इन मुद्दों पर काम किया जाएगा, ये समस्याएं समाधान की जाएगी, लेकिन जो समस्याएं हैं समस्याएं रह जाती है, और फिर 5 वर्ष बाद वे समस्याएं मुद्दे बनकर आते हैं वोट मांगने के लिए। और इसी तरह की परिस्थिति में जो रंगपुरिया पंचायत के अधीन अधिकतर लोग हैं, इसी परिस्थिति में उन्हें रहना पड़ रहा है, क्योंकि दयाशंकर की दया प्राय देखने को मिलती नहीं है। और इसी को लेकर हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधि है मंत्री संजय किसान के नज़र में लाए, ताकि जो समस्या है कम से कम समाधान हो पाए। और इसी वजह से हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं। और एक समाचार और एक खबर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। अब देखते रहिए बेगी बस समाचार।